ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। 35 to 40 ईयर्स के बाद होती है और इसके अंदर जो है वो मेन जो रोल प्ले करती है दैट इज़ विजुअल एब्डोमिनल ओबेसिटी। हेरिडिटरी टेंडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कुछ लोग जो हैं उनके अंदर हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है मोटे होने के लिए, ठीक है, खानदानी मोटे होते हैं, और कुछ एक्वायर्ड खा खा के मोटे हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो होती है इसके अंदर लाइपोलाइसिस का, यानी कि विजुअल जो ओबेसिटी होती है ना, इसके अंदर लाइपोलाइसिस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दूसरा PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। और इसके अलावा कुशिंग डिजीज़, अब कुशिंग डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराता है, यानी बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं करने देता इंसुलिन को, ठीक है। और एक्रोमेगाली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ग्रोथ हार्मोन भी कॉर्टिसोल की तरह एक्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से क्या होगा, इनिशियली हमारे पास अर्ली स्टेज में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर मील, स्टार्ट में होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, हमने खाना खाया, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हुआ। अब क्या होना चाहिए, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होगा, लेकिन चूंकि हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा सेल्स क्या करेंगे, ये कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे कि शायद जो है वो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल हो जाए। अब क्या हो सकता है, मे कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल, हो सकता है कुछ लोगों के अंदर इतनी स्वेयर कंडीशन ना हो और बीटा सेल्स जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, ओवर प्रोड्यूस करके इंसुलिन को ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल कर लें, यानी कि उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ मील के बाद, लेकिन इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन से ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि इट लीड्स टू बीटा सेल एग्जॉस्टन, बीटा सेल्स जो हैं वो थक जाते हैं, वो कहते हैं बस अब हमसे और नहीं होगा, इसमें तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और इसमें हेरिडिटरी टेंडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, कि कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है बीटा सेल्स की एग्जॉस्टन के लिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन फाइनली डिक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। तो अब ये दोनों फैक्टर्स मिलकर क्या करेंगे, फुल ब्लोन डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाएगी, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोटोलाइसिस, और साथ में जो है वो लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।